हाय। तो अभी हम लोगों का जो यहाँ से चेकआउट टाइम होटल में आए थे, ये आसियाना करके एक होटल है जो कि राइट हाँ आशियाना जो मॉल रोड पे ही है। वहाँ से जल्दी पचास करो सुन, जल्दी करो पचास सुन। पचास फीट या 100 मीटर के आसपास होगा जो लाइब्रेरी चौक है वहाँ से। तो ये आएंगे आप जब कैमल बैक रोड की तरफ, वहाँ पे है आसियाना करके। अच्छी प्रॉपर्टी है लोकेशन वाइज भी, एंड जो व्यू है यहाँ से वो बहुत प्यारा है। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ रूम ये का। देखो व्यू। हमारे ये दोनों रूम है, एक ये एंड एक ये। इस रूम में बालकनी नहीं है, अभी थोड़ा मैसी रूम है क्योंकि अब चेकआउट कर रहे हैं, वहाँ तक नहीं जा सकता, सॉरी। तो ये है, यहाँ इस रूम में बालकनी नहीं है, विंडो अच्छी है, यहाँ से व्यू तो बहुत प्यारा है माउंटेन का। एंड दूसरा रूम दिखाता हूँ बालकनी से। आयुष भाई रूम कैसे थे प्रॉपर्टी रूम तो बढ़िया थे वाइज जब हम रूम आए थे? थे, अल्टीमेट बिल्कुल बढ़िया, लाजवाब। जब आए थे तुम्हें हाँ अब अब तो हो गया, थोड़ा सा गंदा गिलास विलास फोड़े थे रात में हमने गलती से। कलमा माने होटल तो वालों, बारह होटल वाले इग्नोर हमें जाते इग्नोर हैं इग्नोर होटल। इग्नोर। ये रूम है, ये वही पुरानी चीज़ है जो सब लोग सुबह यूज़ करते हैं। एंड ये वही पुरानी चीज है, कितना टंगी रख के काम आएगा साले, कभी काम आएगा खास। नहीं ये देखो व्यू, चल सब अपना रूम रूम बता में, करके सब रूम में कंबाइंड बालकनी है। इसे बैकग्राउंड म्यूजिक देना। एंड प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है तो और तू इनके जाएगा पास कहाँ तू? यूज सुन मैंने स्पेस तो है। बता तेरे बारे में, तुम्हारे तोड़ेंगे। तू तेरा 100 रुपये का था 1200। सौ रुपये का बोल रहे, ओरिजिनल फीस पहले है, हम उस वाले होटल बड़े में वाले रुका तोड़ेंगे करते थे वो जो जो यहाँ से प्राइस है छोटा सा दिख रहा है, उसका नाम है सिल्वर जुबली सिल्वर सिल्वर रॉक रॉक सिल्वर रॉक होटल। सिल्वर और जुबली। इस नाम का, इस होटल का नाम पता है आपको? अभी अपन लोग 11 बज गए यहाँ से, देहरादून निकल रहे हैं अभी। यहाँ से निकलते हैं, चेकआउट का टाइम हो गया, होटल से कॉल आ गई है भाई दफा हो जाए यहाँ से, पैसे पूरे हो चुके हैं तुम्हारे, तो अभी अपन लोग जा रहे हैं। बाकी फिर ये यहाँ पे देखो, ये बालकनी है, बालकनी में लिखा है बंदरों से सावधान, क्योंकि वो अंदर नहीं नहीं घुस ऐसा ये लोग हमारे कह रहे हैं। पास खुद का चिंपैंजी है। तो हमें नहीं किसी नहीं अंदर घुसने दे। काफी अच्छा लगा मुझे इस होटल में, क्योंकि ये आसियाना होटल है और होटल का नाम है आसियाना। ये बता यहाँ रहा पे था आसकी लोग ये आते हैं आसियाना और होटल है, होटल का नाम है आसी। और यहाँ आसकी लोग आते हैं और इस ये रूम एक्टिव एंड में पैसिव वॉइस दोनों में बोल रहे हैं। चलो गाइस तो हम चलते हैं, हम निकलते आपको हैं यहाँ दिखाएंगे से। नेक्स्ट विजिट, नेक्स्ट ब्लॉग आपके मुंह आएगा। इन सब के मैं फोटो खींच रहा हूँ और मेरे को खींच नहीं रहा है। ये चलो भी मैं ब्लॉग तुम्हारी पे आ भी रहा हूँ, है, ये भी बढ़िया। आंख नहीं खुलती, धूप लग रही है, धूप तो है नहीं। होटल से निकल गए, मसूरी मॉल रोड है ये जो बहुत बार देख चुके हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं देहरादून की तरफ, हमारी गाड़ी नीचे वेट कर रही है गुरुद्वारे के पास। टिकट में एक पड़ी है 90 रुपये की, इसमें अलग अलग सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सिर्फ एंट्री फीस करनी है एंड चिड़ियाघर घूम के आना है तो 30 रुपये। एक एक्वेरियम है मछली बहुत बड़ा सुनना सुनने में मिला है तो उसका 50 रुपये, और जूस से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो शायद बड़ा होगा वो। तो ठीक है, शुरू कहाँ से करना है? पहले तुम चलो वाकम कर लेना, फन शुरू पार्क, करना है फन ये पार्क शुरू कर लेगा तो रे बच्चों के बच्चों को लिए, पसंद कर जाएगा। बच्चों के लिए हम इतना ज़्यादा जंगल सफारी करते हैं, हमें टाइगर नहीं दिखता है, यहाँ पे यहाँ पे हम भालू ज़रूर को भी, दिखाएंगे। भालू को भी काम पर कहाँ लगा दे दिया रखा रखा है है। हमें काम, आज हमें लेपर्ड दिख जाएगा, इधर से चलते हैं। आज हमें सब कुछ दिखेगा इसलिए हम खुश हैं। हेलो हाँ बिल्कुल वही से। जोक बहुत दूर दूर है जी। हाँ क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? नहीं हो पा रही कॉमेडी, कॉमेडी नहीं हो रही कम दी कॉमेडी। चिड़ियाघर के सपोर्ट में वैसे लोग कम ही रहते हैं, क्या बोलते थे? हमने कहा पहले भी बात बोली है लेकिन अच्छा है चिड़ियाघर ना हो। लेकिन हर किसी के नसीब में जंगल में शेर देखना नहीं होता। हाँ लेकिन फिर वो जेल जैसी बात करते हैं ना, बात जानवर देखने की नहीं। वो जैसे यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो लोग बंद कर रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा पुतला बनाया है, खेलता ये उड़ के ऊपर से भी आ सकता है। ले पता है ये क्या करते हैं? ये दोनों पैर उठा के छाती पे मारते हैं, हाँ कूद के कूद के
और गिर जाते फिर उठते हैं। ऑस्ट्रिच लाइफ स्पैन इसका भी 50 साल के आसपास है, 63 ना? नहीं भाई 45। बहुत है बेटा, बहुत जेल निकल लो। नहीं भाई एक ही है क्या तुम साथ में? अच्छा सेटिंग पीछे है, यहाँ पे इतने प्रकार के सांप मिल जाएंगे, तो स्नेक हाउस। इनका एक एवरेज टेम्परेचर रहता होगा क्योंकि इनके केबिन में एसी लगाई है, उन्होंने मतलब लगा रखा है कि टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो एसी चालू करके नॉर्मल करेंगे। असली जिंदगी जी रहे हैं एसी रूम में बैठ के। जंगल में एसी कहाँ से मिलता भाई? जहाँ से मान लड़कियों की प्रजाति नागिन बर्मी अजगर नहीं सांस ले रहा है ध्यान से भाई। ये तो दो दो मुंह है इसके। नहीं दो अलग अलग है भाई, वो एक बच्चा बैठा दादा फन तो पार्ट पे हमें ऐसे ऐसे होता है। हाँ ये तो पता है लेकिन ऐसे में ऐसा लगता है। हाँ बता बता बचने की उम्मीद पता हो जाती है उसको डसने के बाद। इससे भी खतरनाक होता है ना ब्लैक मांबा। हाँ लेकिन इंडिया में नहीं मिलता ना। पाइथन अंदर बैठा है इसमें। कॉमन सैंड बोआ ये है कहाँ भाई? इतना बड़ा है निकल गया क्या? स्किप कर ये भाई निकल गया इसके। बड़ा है हाँ लेकिन दिख नहीं रहा है उसके अंदर तो नहीं उसके बैठा हुआ है। मैं दिखूंगा नहीं यार टूरिस्टों को। है ही नहीं निकल गया। अरे आराम से आएंगे यार इसमें भी नहीं है खाली। ये यहाँ आ गया क्या? हाँ इधर आओ सर इधर आओ। देखा अरे यार तो इसके लिए बढ़िया से घर बना के दिया था ना वाइन स्नैक। वाइन स्नैक वृक्ष की टहनियों पर होगा मतलब नीचे रहना पसंद नहीं करता होगा। हरा कलर का है भाई छुपके बैठा होगा ना। इंडियन रेड स्नैक है दामन दामन है यार ये भाई सही लगता है। ये शाकाहारी होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं विशेष रूप से वनस्पति पत्ते पर नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ मांस नहीं खिलाना पड़ेगा। करंट है भाई पानी में करंट है वहाँ लिखा हुआ ऊपर। अरे हो गया यार वो जब तक टोके ना तब तक मानेंगे। अंदर से दिखता नहीं है क्या? पार एक तो नहीं है भाई एकदम से तो मुंह में से आ गया तो टच नहीं करना। आ जाओ एलिगेटर वाला ये फीमेल होगी इनके लिए ऐसी होती है। टाट खुला दिए किसी ने। ये क्या पुतले बैठा रखे? सोचो इंसानी सभ्यता मिट जाए धरती से और 100-200 साल बाद फिर कुछ लोग बच जाए आ जाए किसी और कॉन्टिनेंट से या एलियन आ जाए ये सारी चीजें देखेंगे कहेंगे वाओ कोई प्रजात हुआ करती थी हमारे ऊपर सोच चलेगा। और ये ऐसी जम गए हाँ कुछ हुआ था यहाँ पे कुछ इंस्टेंशन ये अपने माँ से लिपटा हुआ है ऐसी मतलब ऐसी लोग हुआ करते हैं। हाँ फिर रिसर्च होगी फॉसिल्स विश्वास मत करना इन लोगों पे फॉसिल्स के ऊपर रिसर्च होगी कि इंसानों की प्रजाति अलग थी। बोल वेलकम टू सेकेंड टाइम जोबर्ट फील्ड। अभी अपन लोग चल रहे हैं ये भाई साहब पहले बार आए हैं सिर्फ इनकी वजह से हम दोबारा आए हैं हमारी इच्छा नहीं थी इनके लिए दोबारा हम इनके बोले तो और मेरी भी भाई जबरदस्ती इच्छा करवाई गई। कुछ बेहतर चीजें होती हैं जो मिस नहीं हो सकती ये बिल्कुल नहीं है बेहतर। मैंने जा रहे थे मूवी देखने जबरदस्ती हमें लाया यहां काफी अच्छा लगता है।
कुछ लोगों में कीड़े होते हैं ना, सुलेमानी कीड़े, वो इनमें है। पबजी 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 बर्बाद हो रहे हैं। विजय भाई पबजी तो बैन है। हाँ